से इनका लॉज है पूरा, आराम से बैठने की सुविधाएं हैं, बच्चों को ठंड वगैरह भी नहीं लगती। बालकनी से क्या नजारे मिल रहे थे, क्या जैसे आपने इन्होंने इनको देखा कि हमारे लिए गाड़ी लेकर के, ये बस रुला देगी आपको, आई प्रॉमिस। इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। इतनी बेकार बस है ना, इस बस की सर्विस अगर आपने ले ली और आप विद फैमिली या सिंगल भी गए ना, ये बस रुला देगी आपको, आई प्रॉमिस रुला देगी। जो हालत हमारी इस बस ने की है ना, वो वीडियो में आपको आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप और मैं मिल करके इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और आगे आप सबको ऐसी इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ ना, जो आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ जाएँ, कब जाएँ, कैसे जाएं, कहां रुकें, फैमिली के साथ जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, किस तरह से सफ़र की शुरुआत करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कितना खर्च आएगा, और हम वेदर का भी पता कैसे लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जर्नी को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन कॉल पर सेट करेगा, कमेंट जरूर करिएगा कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको कितने काम की आई है। दिल्ली से हमारा सफ़र ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था, बस वैसे रुकते रुकते जा रही थी, और जैसे तैसे करके हम चंडीगढ़ तक का सफ़र तय किया हमने। चंडीगढ़ पहुँचने के बाद हमको लगा कि हाँ कुछ कुछ ठंड है, कुछ कुछ मौसम में अलग से है। हाँ, पर ये बस वाले ने जितना परेशान हमको रास्ते में किया था ना, उतना शायद कुछ किया नहीं है। पर हाँ, एक ऐसी सर्विस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना, जिससे आपको रियलिटी में पता चलेगा कि एक मिस्टेक आपका सफ़र कितना ख़राब करके चला जाएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी सर्विस आपको बस की लेनी है जिससे आप बहुत आराम से मनाली पहुँच सकेंगे। मनाली के हसीन वादियों में हम पहुँच चुके थे, ठंडक हमारे दस्तक दे रही थी, और जो वादियाँ थी, इसकी जो रौनक थी, रंगत थी, हमको बहुत अच्छी तरह से अपने तक आकर्षित कर रही थी। एक चीज़ और दोस्तों, ये जो आपको बस स्टैंड पे जितने भी लोग मिलते हैं ना, कि आपको अच्छे रेट में हम कमरे दिलाएंगे, आपको गाड़ी लेके आएंगे, जैसे आपने इन्होंने इनको देखा कि हमारे लिए गाड़ी लेकर गए। दोस्तों, अगर आपको सच में वेदर का यूज़ मतलब मज़े लेने हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा ना कि थोड़ा मनाली के आउट में जाकर रुको। होटल का नंबर मैं डाल दूंगा, मैं थोड़ा सा आउट में गया था, ओल्ड मनाली गया था, क्योंकि देखो बिल्डिंग ही देखनी है तो फिर क्या मतलब है जाकर रुकने को। तो ये कमरा है, हम मनाली के बाहर जाके रुके थे ओल्ड मनाली के अंदर, और सच बताऊं दोस्तों, कमरा आप जाके देखोगे मात्र 800 रुपये में कमरा हमको मिला था, जो मनाली के अंदर मुझे 2000 का कमरा मिला था, उससे साइज में बड़ा, बेड अच्छा, एक सोफ़ा मिल गया हमको, और बालकनी आप देख करके मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि बालकनी से क्या नज़ारे मिल रहे थे। ये तो अभी नज़ारे वो है कि जो स्नो आपको पहाड़ों में दिख रही है ना, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे जाओगे ना, स्नो हमारे पास आती जाएगी और बहुत अच्छा मूवमेंट आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सोचो, आप खिड़की खोलो, सामने नदी, ऊपर स्नो गिरते हुए पहाड़, इतना अच्छा, आपका मन मोहित हो जाएगा। मैं एक बार रुका हूँ, मैं जब जब जाऊँगा तो मैं यहीं रुका करूँगा, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप जा करके यहाँ रुको। क्यों? क्योंकि मूवमेंट आपको एक जो आपको लम्हा चाहिए ना, आप अगर कपल में जा रहे हो, सिंगल जा रहे हो, तो सुकून चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो जाना कैसे है आपको दोस्तों, जब आप जाते हो तो आपको जिंक बस की सर्विस लेनी है। जिंक बस की सर्विस लोगे ना, आप बहुत आराम से चले जाओगे। स्नो के टाइम पे अगर जाते हो, अगर पर्सनल कार लेके जाते हो, तो भाई मैं बोलूँगा 4x4 लेकर के जाओ। क्यों? अगर आप है ना टू व्हील ड्राइव लेकर के जाओगे, तो दोस्तों स्नो में बहुत स्लिप करती है गाड़ियाँ, जो बाद में आपको परेशानी का कारण बन सकती है। तो आप इन्जॉय करने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो, तो मैं बोलूँगा अगर आप जाते हैं तो बस से जाइएगा, राइट, नहीं तो टू व्हील ड्राइव से मत जाइएगा, बहुत परेशानियाँ होती है जब स्नो गिरने लगती है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कहाँ रुकना है दोस्तों, याद रखिएगा, मैंने अभी वीडियो में पहले बोला है कि भाई आप मनाली से थोड़ा बाहर जाकर रुकेंगे, आपको सब कुछ मिलता है, मैं खुद रुक के देखा हूँ, सब कुछ मिलता है वहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के। फैमिली के साथ जाते हैं, और अगर आपके फैमिली के अंदर लेडीज़ हैं जिनको मतलब मोशन सिकनेस हो जाता है, उल्टियाँ होती है पहाड़ी हिल स्टेशन पर जाने पर, तो पहले ही आपको मैं बोलूँगा कि आपने नीचे से उल्टी से बचने वाली गोलियाँ वगैरह लेकर के जाइए, उसके बहुत आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा उससे। क्यों? बार बार गाड़ी रोकनी नहीं पड़ेगी, परेशानियाँ भी नहीं होंगी आपकी। तो इन चीज़ों का खास तौर से आप ध्यान रखिएगा। खर्चा इसमें मैं आपको बताऊंगा, जब आप होटल देख सकते हो, होटल का नाम आ रहा है, आप है ना सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब ये मान के चलिए ना कि बहुत लो कॉस्ट में आपको आराम से हो जाएगा, आप 15,000 रुपये के अंदर हस्बैंड वाइफ और बच्चे को लेके पूरा ट्रिप 5 दिन घूम करके आ सकते हो, मात्र 15,000 रुपये में। आप कमरा भी देख लीजिए। अब दोस्तों, स्नो जो गिर रही थी ना हमको, हम गए भी इसी की चीज़ के लिए थे कि स्नो गिर रही थी, और इतना आनंदित मिला, मतलब मैं खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। भाई देखो, एक तो हम राजस्थान से लेने वाले,
वाले, ठीक है। अब राजस्थान के बंदे को अगर इतनी चीज़ें देखने को, मतलब ऐसे बर्फ़ गिरते हुए दिख जाए तो उसका तो भाई स्वर्ग ही लग जाता है। ये जो मैं पहाड़ दिखा रहा हूँ अभी आपने वीडियो में पहले देखा था, यहाँ पे पहाड़ था, वो एक दिन बीतते बीतते वो पूरा कवर होकर स्नो से ढक गया है। और सच बताऊँ दोस्तों, स्नो में जो आनंद मिलता है ना, मस्त, मैं बयां नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूँगा, अगर ये आनंद लेना है तो आप ओल्ड मनाली में जाके रुको, तभी आपको आनंद मिलेगा। अगर आप मेन सिटी में रुक जाओगे, भाई देखो ओल्ड मनाली में रुकोगे ना, 50 रुपये लेगा ऑटो वाला, वो लाके आपको छोड़ देगा वहाँ पे। अगर आप रिकमेंड मुझे बोलोगे तो मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूँगा, आपको स्कूटी बाइक वगैरह कहाँ से मिलती है, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हो, जो आराम से आप जा करके घूम सकते हो, कोई ज़्यादा खास दूर नहीं पड़ता, 50 रुपये लगता है, 50 रुपये लेगा पर पर्सन और आपको ले करके वहाँ छोड़ देगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या स्कूटी वगैरह से भी जा सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कि आप चाहें तो आराम से ऑटो वगैरह करके चले जाए, बहुत आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा बाहर रहेंगे ना, आपको बहुत अच्छे वेदर मिलेगा, बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा और बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाए। आप देखोगे हम पूरे छत पर वगैरह हम पूरा घूमे हैं एक, हाँ इनके यहाँ पर ना ऊपर आपको ओपन एरिया भी मिल जाता है, अगर आप अच्छा थोड़ा सा पैसा 1200-1300 रुपये पे करते हो तो एक जगह मिल जाएगी। और इन्जॉयमेंट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। बस ये ध्यान रखिएगा जब बर्फ़ गिरती है और बच्चे अगर आपके साथ में हैं, ठीक है, तो भाई मैं पहले बोलूँगा आप मनाली पहुँचते ही, अगर आप बर्फ़ ही देखने जा रहे हो और घूमना है बच्चे वगैरह साथ में, तो मनाली पहुँचते ही बच्चों के लिए गम बूट वगैरह ले लीजिए, जो 100-150 रुपये में उनको पेयर मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने मिस्टेक कर दी थी, मैं बच्चों के लिए गम बूट नहीं लिया था, जिसके कारण हम बहुत परेशान हुए थे और जाने लग गए थे। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, जब हम ऐसे खेलते वगैरह हैं तो ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते हैं और बाद में हमारे बच्चों के हाथ में सुन होने लगते हैं, तो इन चीज़ों से बचिएगा आप ज़्यादातर से, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब आप वहाँ पर घूम रहे हैं खेल रहे हैं तो है ना, आप ये मत सोचो कि ठंड लगती है, ठंड लगने का सिर्फ एक ही कारण है, एक मिस्टेक करें हाथ पैर या पैर में, अगर आपने बच्चों के लिए गम बूट नहीं लिए तो उनको ठंड लग जाएगी, तो इससे बचिएगा। बाकी आप आराम से वेदर का यूज़ कर सकते हैं। मॉल रोड है दोस्तों ये, आप देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा दृश्य है, मतलब मज़ा आया घूम करके, हमने खेले वगैरह, हम स्नो में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हाँ, बर्फ़ गिरती है ना तो हम डर के हमारे भागने लगते हैं यार, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मज़ा आता है किस चीज़ का, जिंक बस का, ठीक है। ये हमने पूरा अच्छे तरह से खाया पिया और बहुत, मतलब गर्मी, मतलब बर्फ़ गिर रही है और उसमें आपको गर्मा गर्म दूध मिल जाए तो एक अलग ही आनंद मिल जाता है। ये शूट स्वीट्स है जो आपको मॉल रोड पे ही मिल जाएंगी, आप आराम से वहाँ पे जा करके, ये लोकल फूड है, आप वो भी खा सकते हैं, हमने भी खाया था, टेस्ट थोड़ा अलग था पर मज़ा आया खाने में। और अब यहाँ से हम निकल चुके थे आगे के लिए, हाँ तो मैं आता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देखो दोस्तों, बर्फ़ गिरती है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिंक बस की सर्विस आप बुक कर लोगे ना, उसकी गाड़ी ऐसे आ जाती हैं। ये भूतनाथ टेम्पल है, यहाँ से ही साधन मिलेगा, चाहे आप कोई सी भी बस करें, यहीं से साधन मिलेगा जो आपको बस स्टैंड तक लेके जाएगी अगर स्नो गिरती है तो। किसी के बहकाव में कभी मत आइएगा कि 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, ये कर दो, सिर्फ आपको जिंक बस की सर्विस बुक करनी जो आपको बहुत आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचा देगी। और वहाँ से इनका लॉज है पूरा, आराम से बैठने की सुविधाएँ हैं, बच्चों को ठंड वगैरह भी नहीं लगती जो आपको आगे देखने को मिलेगी, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पूरी सर्विस लगा रखी है, यहाँ बसें खड़ी होती है, आपको वो गाड़ी है जो इन्हीं की गाड़ी रहेगी, उसका कोई पे भी नहीं लगता है, आप बस बुकिंग कर दिए उसी रेंट के अंदर, उसी किराए के अंदर गाड़ी आपको वहाँ से पिक करेगी मनाली से और यहाँ पे ले आएगी। ये शायद ना 5-6 किलोमीटर दूर है मनाली से, यहाँ पे स्नो वगैरह भी कम थी तो बसें आराम से आपको मिल जाती हैं, और सर्विस के नाम पर ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप मनाली जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप घर से ही पूरा प्रिडिक्शन, मतलब सब कुछ रेडी करके जा रहे हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप मज़े से बहुत आराम से एंजॉय करके आओगे। और दोस्तों खर्चे की बात की तो 15,000 इनफ है, इनफ है एक परिवार के लिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे के लिए 15,000 इनफ है, इसमें भी मैं बचा के लिए आया था, आप बहुत आराम से घूम सकते हो। ऐसा नहीं है कि मनाली में महंगाई बढ़ जाती है, बर्फ़ गिरती है तो बहुत महंगा होता है, नहीं, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको यही बोलूँगा, आप जब भी मनाली जाएँ, जब भी मना ले जाएँ दोस्तों, एक चीज़ का खासतौर से ध्यान रखें, गंदगी वगैरह वहाँ ना फैला के आए, क्योंकि अगर हम गंदगी करके आएंगे तो दोबारा हम ही को जाना है और हम ही को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। फ्रॉड को अगर कोई बंदा करता है तो प्लीज़ उनसे बच के रहें, किसी के बहकावे में नहीं है। जैसे वो कैमरा वाला, जैसे वो गाड़ी वाला मुझे पहले मिला था और वो मुझे बोल रहा था कि आ जाओ मैं दिखा देता हूँ, वो बंदे बाद में आपसे चार्ज लेंगे, पहले तो बोलेंगे कि हमें आपसे 1 रुपये भी नहीं चाहिए, पर अगर आपने उनका रूम पसंद नहीं किया ना तो आपसे मुँह मांगा प्राइस मांगते हैं। तो कोशिश करिए आप है ना डायरेक्ट होटल वाले से बात करके जाएँ, जिससे कहना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से दोस्तों हमारी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, हम यहाँ से निकल चुके थे, बस आपको मैं दिखा दिया कितनी अंदर से कितनी अच्छी है, 500-600 रुपये के अंदर ये सीटें मिल जाती हैं आपको दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली के लिए। और निकल चुके थे अब जयपुर के लिए। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा, कितनी इन्फॉर्मेशन आप पे काम की थी,
आपको कितनी चीज़ें फ़ायदा करके गई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आप तक वो वीडियो पहुँचाने के लिए पूरी मेहनत करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।